गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आज जो हम करने वाले हैं वो जून 2011 सीएसआईआर नेट मैथमेटिकल साइंस का पेपर है जिसका हम पार्ट बी कर रहे हैं. पार्ट बी में एक क्वेश्चन है, लेट जाई बी ए प्रिमिटिव फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, डिफाइन ए जिसमें हमने डायगोनल एंट्री क्या ली है, जाई रेस्ट पावर माइनस टू, जाई रेस्ट पावर माइनस वन, वन जाई जाई स्क्वायर. फॉर ए वेक्टर वी बिलोंग्स टू आर फाइव, यानी वी क्या है, वी वन वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव, वी फाइव और ये सारे के सारे एंट्रीज क्या हैं, रियल नंबर है. डिफाइन मोड ऑफ वी ए, हम डिफाइन कर रहे हैं कैसे, वी ए और वी ट्रांसपोज ये हम फाइंड आउट करेंगे और उसका मोड लेके उसका रूट लेंगे. वेयर वी ट्रांसपोज इज द ट्रांसपोज ऑफ ए. इफ डब्ल्यू इज इक्वल टू वन माइनस वन 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 माइनस फाइव, देन मोड ऑफ डब्ल्यू ए क्या होगा, जीरो होगा, वन होगा, माइनस वन होगा, टू होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो अब हम करते हैं, क्योंकि हमने वी क्या लिया हुआ है, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं इसका, क्योंकि वी वेक्टर जो हमने लिया है वो है वी वन वी टू वी थ्री वी फोर और वी फाइव, ये हमने वी ले रखा है. अगर हम ये गौर करें v बाई फाइव और यहाँ पर हम लिखें वन फाइव और यहाँ पर हम लिखें फाइव वन, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. तो ये कॉलम वेक्टर है, ये रो वेक्टर है, तो ये इसको हम रो वेक्टर ले लेते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे v से और v ट्रांसपोज क्या लेंगे, कॉलम वेक्टर बना लेते हैं, v1 v2 v3 v4 v5. ये क्या आएगा, 5 इंटू वन फाइव और ये क्या है 1 इंटू फाइव, तो ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा v1 v2 v3 अप v4 v5 और बीच में हमने a लिखना है और यहाँ पर क्या कॉलम वेक्टर v1 v2 v3 v4 v5. तो इसकी मल्टीप्ली, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, ये आएगी v1 जाई रेस्ट पावर माइनस टू वी वन प्लस वी टू जाई रेस्ट पावर माइनस वन वी टू प्लस वी थ्री जाई रेस्ट पावर जीरो वी थ्री प्लस वी फोर जाई रेस्ट पावर वन वी फोर और प्लस प्लस वी फाइव जाई रेस्ट पावर टू वी फाइव, ये बन जाएगी. तो ये हमारा किसके इक्वल आया है, ये हमारा है, ये हमारा है वी ए और इसका अंडर रूट वी ए के इक्वल है. अब हमें क्या निकालना है, डब्ल्यू ए निकालना है. डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू हमारा क्या है, वन माइनस वन 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 माइनस वन, हम यहां पर पुट कर देंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा रूट ऑफ वी वन, वी वन से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो क्या कहेंगे, वन इंटू जाई जाई टू इनवर्स इंटू वन प्लस दूसरा क्या एलिमेंट है, माइनस वन, माइनस वन इंटू जाई इनवर्स इंटू माइनस वन प्लस तीसरा एलिमेंट क्या है, वन, वन इंटू वन इंटू वन, चौथा एलिमेंट क्या है, वन, वन इंटू जाई इंटू वन, चौथा एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट क्या है, माइनस वन, माइनस वन इंटू जाई टू इंटू माइनस वन, ये आ गया. अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा जाई रेस्ट पावर माइनस टू प्लस जाई रेस्ट पावर माइनस वन प्लस वन प्लस जाई प्लस जाई स्क्वायर, ये आ गया. अगर मैं गौर करूं, क्योंकि जाई हमारा फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब इसकी पावर फाइव हमारे आइडेंटिटी के इक्वल है. इसको अलग अलग कर लो, स्क्वायर एंड क्यूब अलग अलग कर लिया तो यहां से क्या गया, जाई क्यूब इज इक्वल टू जाई
ऑफ माइनस टू. सिमिलरली फोर कोर वन को अलग अलग कर लो तो ये क्या आ जाएगा, जाई फोर इज इक्वल टू जाई इनवर्स. तो यहां पर क्या आ गया, ये आ गया वन प्लस जाई स्क्वायर प्लस जाई क्यूब प्लस जाई फोर, ये आ गया हमारे सारे एलिमेंट. अब हमें ये दिख रहा है कि इसके जो इक्वेशन है फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी इसके रूट क्या है, वन जाई जाई स्क्वायर जाई क्यूब जाई फोर, ये पांचों इसके रूट हैं, इस इक्वेशन के रूट हैं. और सम ऑफ रूट अगर मैं इसमें निकालता हूं तो सम ऑफ रूट क्या होगा, सम ऑफ रूट्स यहां क्या आएगा, इसमें माइनस बी बाई ए यानी जीरो, और सम ऑफ रूट क्या होगा, वन प्लस जाई स्क्वायर प्लस जाई क्यूब प्लस जाई फोर इज इक्वल टू जीरो. तो व्हाट इट मीन्स, इसकी जगह पे जीरो आ गया तो रूट जीरो यानी जीरो, तो जीरो आ गया. तो व्हाट इट मीन्स, इसका ऑप्शन नंबर वन हमारा आंसर हो गया. तो आंसर इज इक्वल टू वन.